दोस्तों हम मंदिर के सदस्यों से मिल चुके हैं, तो सभी का परिचय भी आप सभी से करवा देंगे और साथ में प्रोग्राम क्या उनके बारे में पूरा डिटेल्स हम ले लेंगे। भैया प्रणाम। ओम साई ओम साई। तो मुझे कार्यक्रम के बारे में जानना था। मैंने सुना है कि यहाँ से शिरडी से बाबा जी जो पादुकाएं पहने थे वो उन सारे पादुकाओं को यहाँ ला रहे हैं, तो कार्यक्रम क्या है गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर, इस चीज़ को मुझे जानना है। जुलाई 1 तारीख से लेकर जुलाई 4 तारीख तक ओल्ड सेटलमेंट लाइट ऑफ खड़गपुर श्री 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 साई बाबा मंदिर के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजन किया है। जुलाई 3 तारीख सोमवार का दिन गुरु पूर्णिमा है, बाबा का अति प्रीति दिन है। उस दिन इस दिन जो है शिरडी साई बाबा मानसापति की घर से बाबा का चरण पादुका फर्स्ट टाइम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट खड़गपुर में आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा मंदिर में फर्स्ट टाइम बाबा का पादुका आ रहा है। 4 तारीख मंगलवार बाबा का चरण पादुका शोभा यात्रा करेंगे। 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे ओल्ड सेटलमेंट श्री श्री शिरडी साई बाबा मंदिर के प्रांगण में बाबा का महाभोजन का भंडारा किया जाएंगे। खड़गपुर के सारा लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आकर बाबा का चरण पादुका का दर्शन कर उनका तीर्थ प्रसाद को ग्रहण करें। जी, आपके बातों में से मेरा छोटा सा दो सवाल आपसे पूछना था। सवाल ये कि बाबा की पादुकाएं यहाँ आ रही है, नो डाउट, तो इसमें हम मुझे ये पूछना था भक्त उनका दर्शन कब कर सकते हैं? सुबेरे कागड़ आरती से लेकर दोपहर को मध्यान आरती तक मंदिर के प्रांगण में बाबा का पादुका रहेंगे। जैसा मध्यान आरती के बाद में मंदिर बाबा का विश्राम किया जाता है उस टाइम दर्शन बंद कर देंगे। फिर शाम को सेज आरती से लेकर रात को आरती 9 बजे आरती तक बाबा का चरण पादुका का दर्शन होंगे। और मंगलवार 4 तारीख सुबेरे 9 बजे यहाँ से बाबा का शोभा यात्रा किया जाएंगे 12 बजे आरती तक। फिर आरती के बाद में मंदिर फिर बंद करके शाम को आरती का टाइम से लेकर रात को 9 बजे आरती तक बाबा का चरण पादुका दर्शन देंगे। जी, आपने फिर दूसरा चीज़ मुझे ये पूछना था कि जैसा कि बाबा के महान भक्त उनके साथ में रह चुके मानसापति जी का आपने जिक्र किया था, तो क्या उनके परिवार से भी कोई यहाँ आ रहे हैं? मानसापति का 6 जनरेशन से 2 जन आ रहे हैं, शिरडी से ही आ रहे हैं, वो बाबा का चरण पादुका लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों बहुत अच्छा और रोचक यहाँ मुझे जानकारी मिला है कि जो अब तक नहीं हुआ, जो बाबा के लिए जो लोग सब कहते हैं कि किस तरह से थे, क्या थे उनके जीवन व्यापन को, हमने बहुत कुछ बहुत जगह में देखा है, लेकिन पहला बार उनका समय पर उनके समय काल में जो उन्होंने चरण पादुकाएं पहनी थी वो प्रथम बार हमारे खड़गपुर में आ रही हैं। तो जैसा कि दावा किया जा रहा है पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये पहला बार आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे मंदिर कमेटी की ओर से कि आप लोग जो तारीख बोले उस तारीख पर आइए, और 2 दिन जैसे कि प्रातः काल से लेकर संध्या रात्रि आरती तक आपका दर्शन बाबा की पादुकाएं के हो जाएंगे। और होने के उपरांत आपको बता दूं कि एक छोटा सा यहां नोट कर लीजिएगा, दोपहर में जब होता है तो उनका बाबा का जो माने विश्राम का वक्त होता है उस समय को छोड़कर बाकी सभी समय पर आइए, आप उनके पादुकाओं का दर्शन कीजिए। शोभा यात्रा का समय क्या है? सुबह 9 बजे निकालेंगे। अच्छा, ओल्ड सेटलमेंट घुमा के फिर आरती का समय मंदिर में लेके आएंगे। उसके बाद आरती के बाद हर दिन बाबा का विश्राम किया जाता है। फिर शाम को 5 बजे मंदिर खुलता है, 6 बजे आरती होता है, उस टाइम से लेकर फिर रात को 9 बजे आरती तक बाबा का पादुका का दर्शन सारा भक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले 4 तारीख को आप आइए और गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर आप सभी को तो मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे हाँ। और जैसा उनके 5 तारीख को भोग का भी आयोजन किया गया है, तो सामने जो मैदान है हमारा उस मैदान में ही होगा। जैसा कि पंडाल अभी से बनना चालू हो गया, उत्सव की तैयारियां भी मंदिर को देखते हुए हम बता सकते हैं कि पूरी तरह से हो चुकी है। अब सब हमसे भी नहीं हो रहा, हम भी उसी दिन फिर आपसे मिलेंगे। और वीडियो समाप्त करने के पहले आप सभी को मैं बता दूं, ओम साईं राम। जय साईं राम।